देखिए, मेरी ड्यूटी सहायक नोडल अधिकारी के पद पर लगाई गई थी, तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वहाँ जांच की और डेली रिपोर्टिंग मांगी, पर वहाँ मुझे ऑपरेटर द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। जिससे मुझे शक हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है। फिर मैंने जांच चालू की तो पाया गया कि वहां पर बिना FAQ के धान न कोई ग्रेडर से जांच कराई जा रही, लगातार बोरियों में भर के लाई जा रही थी अन्य जगह से। इसकी शिकायत भी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को की कि अन्य जगह पे ये रात में तुलाई करके हजारों बोरियां भर भर कर ला रहे हैं। ठीक, इसके बाद रविवार के दिन, अवकाश के दिन इनके द्वारा फिर कम से कम 8 से 10 हजार कुंटल माल तोला गया, जिसकी शिकायत मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को की और मैंने वहां जांच की तो ना नफे क्यों माल पाया गया। मैम, मौके पे जैसा अगर देखा जाए कि वहाँ पे 46 हजार क्विंटल जो धान का जो अलग से जो उनके द्वारा चढ़ाया गया, क्या मामला है मैडम ये? ये क्या हुआ है कि जो ऑपरेटर है इसके द्वारा धान की एंट्री पहले ही कर दी गई और ना वहाँ पर धान लाई गई थी और ना FAQ की गई थी, और इसके द्वारा एंट्री करके 97 हजार के लगभग धान चढ़ा दी गई है और अब लगातार बोरियों में भर भर के धान को वहाँ पर खानापूर्ति की जा रही है। अभी वहाँ पर जांच टीम आई थी और जब जब आपके द्वारा शिकायत की गई तब भी लगातार जांच टीम आई थी, तो उस समय क्या मैडम वहाँ पे कुछ ऐसे भी नाम आ रहे हैं कि कुछ व्यापारी लोग हैं जो सक्रिय हैं? कुछ व्यापारी काफी मात्रा में सक्रिय हैं वहां पर और इनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, और इनके द्वारा किसानों के माल को अपना बताकर अपना बिल लगवा कर पैसे निकाल लिए गए हैं, ऐसा वहां पे मतलब हो रहा है। जांच के दौरान जो आपने धान पकड़ी है वो कहाँ कहाँ किन किन सेंटरों में अवैध एक्स्ट्रा तुलाई हो रही थी? ये फार्मर वेयर हाउस जो कि ब्लैक लिस्टेड था है ना, वहाँ पे ये तोल कर ला रहे थे, और मैंने इसकी शिकायत GSO रोशनी पांडे से भी की तो उनके द्वारा उनको व्यापारियों को और बढ़ावा दिया गया कि बोल बोल दो कि ये तो किसान अपनी धान को कहीं और ले जा रहे हैं है ना, लेकिन ये रुका नहीं ये सब, और लगातार इसी तरह की बोरियों में भर भर के माल को चंचौरिया वेयर हाउस में गैस एजेंसी के प्रांगण में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके मैंने वीडियो भी बना बना के प्रतिदिन भेजे, और वहाँ पर जब देख रहे थे जाके कि वहाँ टैग लगाए जा रहे हैं और सिलाई की जा रही है, और ग्रेडर से पूछा तो बोले मैंने FAQ नहीं किया है। फिर वहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा 8 से 10 लोगों की टीम भेजी गई जिन्होंने इसकी जांच की। मारेवा वेयर हाउस में भी लगभग देखा जाए तो अधिकारियों ने 15 से 20 हजार क्विंटल माल जो है, धान जो है, वो वहाँ पे उन्होंने पकड़ी और उनको पाई गई। तो मारेवा वेयर हाउस का क्या मामला है? ये वेयर हाउस भी ब्लैक लिस्टेड था, यहाँ की धान को भी चंचौरिया लाना था, पर ऑपरेटर ने व्यापारियों से मिलके सारी धान को पहले ही चढ़ा दिया और अब उनकी मनमर्जी से बोरियों में भर के लगातार चंचौरिया वेयर हाउस के अंदर प्रांगण में और गैस एजेंसी के प्रांगण में जमा किया जा रहा है। कहीं अगर ये देखा जाए तो ये जो धान चढ़ाने का ये जो मामला होता है पोर्टल पे, ये तो सर्वेयर की जो ID से चढ़ता है, जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्वेयर ने बिना जांच किए और ऑपरेटर्स के कहने पे वो चढ़ा दी हो, या बीच में व्यापारियों का कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता नज़र आती है, तो क्या कहेंगे मैडम इसमें आप? हम इसमें बस यही कहेंगे कि ऑपरेटर, सर्वेयर और जो समिति प्रबंधक हैं इन सब की सांठगांठ व्यापारियों से थी, तो कुल मिला के ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा था। अभी मौके पे जो जानकारी मिल रही है, धीरे धीरे ये सामने निकल के आ रही है कि वहाँ पे तुलाई के एवज में कुछ धान एक्स्ट्रा लिए जाने की बात थी, इसका क्या मामला है? ये कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि हमने 5 किलो धान
प्रति कुंटल एक्स्ट्रा दी है। किन किन को दी गई है धान? ये तुलाईदारों को। तो क्या तुलाईदारों में से ऐसे कुछ व्यापारियों के कुछ नाम हैं जो आपने देखा होगा कि बीच में ये सक्रिय हैं? वहाँ पर नीरज चौबे नाम का लड़का जब से तुलाई चालू हुई है तब से आखिरी तक बना हुआ है, और मुझे एक दो बार धमकाया भी कि आपके हैसियत से यहाँ ऑपरेटर से बात कर रहे हैं, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, जाइए यहाँ से। तो मैंने उसके वीडियो भी बनाए हैं, ग्राउंड में मेरे द्वारा धान चेक की जा रही थी तब भी उसने मेरे मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की और मुझे धमकाया। उसका वीडियो मैंने बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। मैम, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो 96,000 क्विंटल जो धान थी उसमें बहुत से व्यापारी वर्ग भी थे। अब इनको व्यापारी वर्ग को और किसानों को, एक्चुअल किसानों को छांटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये तो बस प्रबंधक ही बता सकते हैं, ऑपरेटर बता सकते हैं कि कौन कौन ने क्या किया वहाँ, और नहीं तो वो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहे। जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।